गुड मॉर्निंग डियर, यह हिंदुस्तान संपादकीय डिक्टेशन शुरू कर रहे हैं थोड़ी देर में। स्टार्ट। मोबाइल और इंटरनेट शुल्क में वृद्धि का दौर फिर शुरू होना न केवल चिंताजनक बल्कि निराशाजनक भी है। करीब 3 वर्ष पहले मोबाइल और फ़ोन पर लगने वाले शुल्क में स्थिरता आ गई थी। शुल्क में कमी का दौर चल रहा था। यह माना जा रहा था कि मोबाइल की दुनिया ग्राहकों के अनुकूल हो गई है और केवल इंटरनेट या डाटा यूज के लिए ही पैसे चुकाने पड़ते हैं। डाटा खरीदने वाले ग्राहकों के लिए कॉलिंग लगभग मुफ्त हो गई थी। अब आशंका है कि धीरे धीरे मोबाइल व फ़ोन खर्च 30% से 50% तक बढ़ जाएगा। कॉलिंग शुल्क की वापसी क्यों हुई है, इसके पीछे अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि उनका घाटा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 4 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों का कर्ज खरबों रुपये में है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक जो कंपनियां वर्ष 2014 में प्रति ग्राहक से औसतन 200 रुपये कमाती थी, अब वे आधा ही कमा पा रही हैं। इससे उनका घाटा बढ़ रहा है। इन कंपनियों की कमाई घटी है जिससे इन्हें विभिन्न तरह के शुल्क जैसे स्पेक्ट्रम शुल्क, AGR इत्यादि चुकाने में परेशानी हो रही है। कुछ बड़ी कंपनियों को शिकायत है कि उनका अस्तित्व खतरे में है। कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने यह कोशिश की थी कि केंद्र सरकार कुछ स्पेक्ट्रम शुल्क में कटौती कर दे, लेकिन सरकार ने भुगतान की अवधि बढ़ाई है, शुल्क में कोई कमी नहीं की है। इसके बाद कंपनियों को सेवा शुल्क बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब जब यह तय हो गया है कि वॉइस कॉलिंग और इंटरनेट की कीमत बढ़ेगी तो न केवल कंपनियों को बल्कि करीब 1 अरब ग्राहकों को भी बदली हुई स्थिति से तालमेल बिठाना होगा। अव्वल तो कंपनियों को ध्यान रखना चाहिए कि शुल्क की इस बढ़ोतरी से उन पर लोगों का विश्वास घटा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लुभाने के लिए कंपनियां उनसे बड़े बड़े वादे, मुफ्त पेशकश, रियायत की घोषणा कर देती हैं, लेकिन देर तक निभा नहीं पाती हैं। बदले हुए दौर में जब लोग जागरूक होने लगे हैं तब भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल टेलीकॉम क्षेत्र ही नहीं, तमाम क्षेत्रों में निजी कंपनियों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की जिद के साथ काम करना चाहिए। मनमाने शुल्क पर सेवा देना ही ध्येय न हो, सेवा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो। गुणवत्ता में सेवा शुल्क या तार्किक होना सबसे जरूरी है। इसके अलावा सरकार के लिए अब यह देखना पहले से ज़्यादा जरूरी हो गया है कि किसी क्षेत्र में कोई ताकतवर कंपनी इतनी भी रियायत न दे सके कि दूसरी अपेक्षाकृत
छोटी कंपनियों के बंद होने की नौबत आ जाए। यह वृद्धि लोगों और सरकारी हिस्सेदारी वाली टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी सबक होनी चाहिए। मोबाइल की लत और अत्यधिक उपयोग के मोर्चे पर कम से कम डॉक्टरों की नसीहतों पर ध्यान देना चाहिए। ऊर्जा, धन और समय का अपव्यय भी व्यक्तिगत समीक्षा का विषय है। शुल्क का बढ़ना बड़ी चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि कुल मिलाकर सेवा की गुणवत्ता भी घटती लग रही है। उम्मीद है बढ़े हुए शुल्क की ताकत से उबरकर निजी कंपनियां टेलीकॉम सेवाओं में जरूरी सुधार करेंगी और सरकार अपनी हिस्सेदारी वाली टेलीकॉम कंपनियों पर भी मुस्तैदी से गौर फरमाएगी।